आप इसमें इमोशनल मत होइए, ये एक एज अ जर्नलिस्ट ये हमारे लिए बार बार आएंगे और कई बार आएंगे जब आप एक ऑनर जर्नलिज्म करना चाहेंगे। शाही साहब प्लीज अपने आप को संभालिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शाहिद फिर आपका स्वागत करता हूँ पी न्यूज़ के एक और प्रोग्राम में, और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर बात करना चाहते हैं। आज हम बात करना चाहते हैं हमने एक और हमारे जो हम दोस्त यूट्यूब चैनल के बारे में, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी स्टोरी की जिसमें उन्होंने एक 20 साल से जो एक डॉक्टर लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था उसको बेनकाब किया, एक फेक डॉक्टर को लोगों के सामने लाया और ये बताया कि किस तरह से हमारे हमारी स्टेट में हमारी कंट्री में आज भी लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं इन झोला छाप डॉक्टरों से। लेकिन इस स्टोरी के बाद एक अजीब सी हालात पेश हुए हैं कि जहां बहुत ज़्यादा तारीफ भी हो रही है इनकी और वहीं बहुत सारे लोग इनके जर्नलिज्म के ऊपर सवाल भी उठा रहे हैं। तो हमने कहा कि बहुत सारे लोगों ने इनके ऊपर इल्ज़ाम तो लगाए लेकिन इनको भी अपने बचाव का मौका पूरा मिलना चाहिए और ये भी अपनी बात बता सकें। तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ हमारे साथी शाहिद इमरान साहब को, जो एक बहुत ही अच्छा मकबूल यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसका नाम है कश्मीर क्राउन, और काफ़ी सालों से वो काम कर रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टोरीज उन्होंने की हैं, काफ़ी अच्छे स्टिंग ऑपरेशंस किए हैं और सोसाइटी के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है एज सोशल मीडिया। तो शाहिद इमरान साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हम और भी चीज़ों में बात करना चाहते थे लेकिन आज इस बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरीज के ऊपर बात कर रहे हैं जिसमें आप आज एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी आया है इस चीज़ को लेके कि आपका जो जर्नलिज्म है वो सही जर्नलिज्म नहीं है। तो पहले मैं ये जानना चाहूँगा जो आपने ये स्टोरी की जो फेक डॉक्टर की, तो इसमें क्या हालात रहे, कैसे आपने ब्रेक किया और क्या सारा पसमंजर क्या रहा इसका? शाहिद खान साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और पी न्यूज़ देखने वाले तमाम जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम, और आपने मुझ जैसी नाचीज़ को आज मौका दिया अपने व्यूवर्स के सामने अपनी बात रखने का, उसके लिए भी बेहद शुक्रिया। अपनी बात शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और मेरा एक फेवरेट शेर है, निसार में तेरी गलियों के ऐ वतन के जहां, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जहां बचा के चले। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि आपके खिलाफ तनकीद हो रही है, क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्योंकि तनकीद से तो मेरी शख्सियत संवरती है, मुझे लग रहा है कि जो भी लोग मेरे खिलाफ लिख रहे हैं, जब तक मुखालफत में गालियां नहीं है, जब तक आप मेरी माँ मेरी बहन को गालियां नहीं देंगे, तब तक वो मुखालफत में एज पॉजिटिव एक क्रिटिसिज्म ले रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारी माओं को हमारी बहनों को गालियां देकर रुसवा कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो लेवल ठीक नहीं है। जहाँ तक एडिटोरियल्स का ताल्लुक है न्यूज़पेपर्स में, अगर उन्होंने मेरे खिलाफ लिखा है और फेक डॉक्टर को नज़रअंदाज किया है, सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने क्यों नहीं किया ये काम आज तक। अगर 20 सालों से ये डॉक्टर हमारी इज्जतों इफ्फतों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उससे ज़्यादा मेरे ख्याल में जान से ज़्यादा एक इज्जत एक औरत की इज्जत होती है। शाहिद साहब, मैं आपको एक एग्जांपल दूँ। कल मुझे 6:30 बजे सुगाम के एक लोकल गांव से कॉल आता है, एक बहन ने कहा कि आप प्लीज़ इसको कॉन्फिडेंशियल रखिए। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप बता दें क्या मसला है। बोला कि ये एज जनरल प्रैक्टिशनर जनरल फिजिशियन भी वहाँ पे कहा करते थे लोगों को, तो हमने उनको इस डॉक्टर साहब जो हैं उन चीज़ों तक रसाई हासिल उनने इन अ वे कि उन्हें उन चीज़ों को टच किया जो नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, एक क्वेश्चन पूछा कि मेरी मॉडेस्टी और मेरी इज्जत कौन लौटा देगा। तो मैं लाजवाब हो गया वहाँ पर, हत्ता कि मैं काफ़ी दिल में एक दर्द सा पैदा हो गया कि आखिरकार इन्होंने जो सवाल पूछा, ये सवाल मुझसे नहीं पूछना चाहिए था, ये अदलिया से पूछना चाहिए था, ये इंतज़ामिया से पूछना चाहिए था। तो जहाँ तक इन इदारियों इन एडिटोरियल्स का ताल्लुक है या जो भी लोग मेरे खिलाफ लिख रहे हैं, अगर वो लोग अपने हिस्से की शम्मा रोशन करते रहेंगे, मेरे ख्याल में
हमारे समाज के लिए सबसे बड़ी बात वही है। देखिए शाहिद साहब, सबसे बड़ी बात है कि हमें कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना है। ये कौम गुज़िश्ता कई दिहाइयों से कन्फ्यूजन का शिकार है। इट इज़ इधर फेक और नेक। ये डॉक्टर या फेक हो सकता है या नेक हो सकता है, ये बीच का रास्ता हम निकाल रहे हैं ना गुज़िश्ता कई सालों से। नहीं, इसमें मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ कि जो लोग भी फेक हैं या जो ऐसा काम कर रहे हैं उनको पर्दाफाश करना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो इस बात पे हो रहा है, और मैं उस पे आपका जवाब चाहूँगा बिल्कुल, कि ठीक है आपने एक फेक डॉक्टर को पकड़ा और जो उसका उसके साथ स्टिंग ऑपरेशन किया और जब उसने मान भी लिया कि वो फेक है, उसके बाद का जो रहा कि जिस तरह से आपने अपने वीडियो में उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा या उनको एक परेड भी किया थोड़ा सा, तो लोगों का ये कहना है कि आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए, पुलिस को साथ में ऑपरेशन में क्यों नहीं रखा, और जो ये जो सारी बातें थी कि माफ़ी मांगी या जो करिए, इसकी क्या ज़रूरत थी? आप बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल सही है और जो लोग पूछते भी हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो स्पॉट पे बंदा होता है ही इज़ द जज ऑफ स्टोरी। मैं अपनी स्टोरीज का जज होता हूँ। मैंने पुलिस के साथ रब्ता पहले क्यों नहीं किया वो एक अलग एंगल है। शायद मैं हमेशा अपनी स्टोरी के साथ इंसाफ करता हूँ। मैं अपने सोर्सेज की जान कभी खतरे में नहीं डालना चाहता हूँ। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म करना था लेकिन मेरी स्टोरी के बाद। देखिए अगर पुलिस को मैं इन्फॉर्म पहले ही करता तो मेरे ख्याल में जो मेरी स्टोरी थी तो उस स्टोरी के हवाले से फिर से लोग कई एक सवाल उठाते कि शायद इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है। मतलब अगर मैं उस एंगल से जाता, कल को यही लोग जो मेरा इस वक्त क्रिटिसिज्म करते हैं, मैंने अपना काम ईमानदारी कैमरे पे किया। हत्ता कि शायद साहब आप यकीन नहीं करेंगे, रात के 8 बजे तक मुझे कॉल्स आती रही, लोग ब्राइब करना चाहते थे, बेईमान लोग, शैतान लोग मुझे ब्राइब करना चाहते थे, बट मैंने किसी का फ़ोन नहीं उठाया। मैंने अपना फ़ोन बिल्कुल स्विच ऑफ रखा था उस दिन। आप मेरी टीम से भी पूछ सकते हैं, मेरी टीम को उन्होंने अप्रोच किया, लेकिन पुलिस को इनिशियली मैंने बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं किया। मे बी उसमें कुछ मेरी ज़ाती तौर पर एक स्टाइल है काम करने का, शायद मैं किसी हद तक भरोसा भी समझे कि मे बी स्टिंग ऑपरेशन फेल होता, ये मेरा स्टाइल है। देखिए कोई मुझे डिक्टेट नहीं कर सकता कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया। अगर मैं पुलिस को शाम को ये बता देता कि स्टोरी ऐसी है, शायद वहाँ पे लीकेज भी हो सकती है, स्टोरी के बारे में किसी को पता भी चल सकता है, तो शायद जो मेरा असली मकसद था इसको पकड़ने का। तो देखिए शायद साहब, ये जो स्टोरी है दिस इज़ अ क्राइम स्टोरी बेसिकली, ये एक नॉर्मल स्टोरी नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमने ऑपरेशंस किए, हमने किसी भी जगह पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था। हत्ता कि क्राइम स्टोरी में अगर आपको लग रहा है कि आप की जान खतरे में है या आप पे हमला हो सकता है, हम अपनी जानों पे खेल के निकलते हैं, किसी जगह कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हक का साथ देते देते, सच का साथ देते देते आपकी जान भी चली जाती है, शायद आप शहीद हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है ना, इससे बड़ा जहाद मेरे ख्याल में कोई नहीं है कि अगर आप सोसाइटी में इस नासूर इस लानत को ख़त्म करने पे, हमने इससे पहले भी चर्च की स्टोरी की थी कुपवारा में, हत्ता कि हमने फिर SSP साहब जो काफ़ी बहादुर ऑफिसर हैं SSP कुपवारा श्रीराम जी, उस वक्त भी हमने SSP साहब को पहले नहीं बताया था, हमने बाद में SSP साहब को फ़ोन किया, उसकी चर्च के अड्डे पे रेड डालना आपकी जान के साथ खेलने के बराबर है। हमने उस वक्त भी टुंगारी को वहाँ पे रेड डाल के फिर SSP साहब के पास हम गए, जब भी हमने उसको चर्च सारा हमारे पास आ गया, फिर हम SSP साहब के पास चले गए, हमने बता दिया कि हमने ऐसे फलानी जगह रेड डाल के तो हमने वहाँ पे चर्च, फिर वो स्टोरी भी गलत थी, मेरी वो स्टोरी भी गलत थी, मैंने उसको भी सरेआम जलील किया, फिर फेक डॉक्टर भी तारिक तेली जो इससे पहले सरेआम जलील किया वो भी गलत थी, फिर फेक पीर जो हमने एक्सपोज किया फिर वो भी गलत है। ये समाज प्रूफ क्या करना चाहता है? शायद साहब मुझे एक बात बताएं आप, हिपोक्रेसी की एक हद होती है। देखिए चाहिए डॉक्टर किसी खास कॉलोनी में रहता है, चाहिए डॉक्टर किसी खास पॉश एरिया में रहता है, किसी खास शहर में रहता है, इसका मतलब है हम ऐसे कंपैरिजन इस वक्त कर रहे हैं कि ये डॉक्टर किसी खास इलाके का है। फेक डॉक्टर तो तारिक तेली गांव का था, वो पीर हंदवाड़ा के एक दूरदराज इलाके का था, उसके रिश्तेदार नहीं थे, उसके रिश्तेदार सूट बूट लगा के नहीं थे, टाई लगा के नहीं थे, फेसबुक चलाने वाले नहीं थे, यूट्यूब चलाने वाले नहीं थे। हम प्रूव हम इस सोसाइटी को किस ओर ले जा रहे हैं?
मैंने आपको पहले कहा, या तो ये डॉक्टर गलत है या शाहिद इमरान गलत है, बीच का रास्ता मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं इस कौम से कि बीच का रास्ता आप मत निकालिए, किसी भी मुद्दे में बीच का रास्ता मत निकालिए। अगर शाहिद इमरान गलत है ओपनली कह दीजिए आप गलत हैं, फिर तो डॉक्टर सही है। इसका मतलब है हम डॉक्टर को लाइसेंस देते हैं, हम मजीद जो जराइम हैं या मजीद जो फेक डॉक्टर्स हैं, क्या डॉक्टर क्या शाहिद साहब हम उनको इनकरेज नहीं करते इन चीज़ों से? क्या क्या कोई और डॉक्टर अगर प्रैक्टिस कर रहा हो जिस तरह से इस डॉक्टर को इस वक्त, कल मुझे एक बंदे ने फ़ोन किया, हेलो शाहिद साहब इस बिचेर इसके हस्कुर होता है इस दिस बेचारा, मुझे बताएं शाहिद साहब इसी बेचारा जिसने इज्जतों और इफ्फतों के साथ खेला है, जिसने इंसानी जानों के साथ खेला है, जिसने इंसानी माल को नुकसान पहुँचाया है। तो सबसे बड़ी बात है, देखिए मुझे किसी पॉलिटिशियन के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, अगर ये किसी पॉलिटिशियन का रिश्तेदार भी है, अगर ये किसी पॉलिटिशियन के साथ लिंक्ड भी है, तो सबसे बड़ी बात ये है शाहिद साहब कि हमने सोचना है कि हम किस ओर जा रहे हैं, या तो ये फेक है या नेक है, दोनों में से एक ही रास्ता नहीं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जिसके ऊपर अभी भी जैसे आप इस वाली बात कर रहे हैं, जैसे आपने चलिए स्टिंग ऑपरेशन किया पुलिस को, बाद में भी आप इन्फॉर्म कर सकते थे, जो सबसे जो बड़ी बात है उस पर मैं जानना चाहूंगा, ऐसा आपने क्यों किया कि जो आपने जिस तरह से उनको परेड किया बिल्कुल या माफी मंगवाई, ये सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से क्रिटिसिज्म से उभर के आया है, और मैं भी ये जानना चाहूंगा आपने बिल्कुल उसके पीछे कोई खास मकसद था। जी मैं इसका आंसर जो ईमान दूंगा, आपने देखा होगा मैं मेरी खुद की गाड़ी लगभग 1 किलोमीटर स्टिंग ऑपरेशन के स्पॉट से दूर थी, क्योंकि लोग मुझे पहचानते हैं, लोग मैंने मास्क भी पहना था ताकि अपना अपने जो ड्रेसअप था वो भी थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन फिर भी लोग मुझे पहचानते हैं। मेरा स्टिंग ऑपरेशन का स्पॉट थोड़ा सा दूर था, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। जो ही हमने पेशेंट अपने फैसल को अंदर भेजा, उसके साथ 2 अटेंडेंट्स थे, एक अटेंडेंट को मैं कॉल पर पूछता हूँ कि डॉक्टर के पास कितने पेशेंट्स हैं, उन्होंने बताया कम से कम 50 पेशेंट्स उनके थे, हमारा 16 के 15 नंबर है, मुझे याद नहीं है अच्छी तरह से। तो हमारा नंबर जो ही लगा डॉक्टर साहब के पास, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने उनको बोला कि जो ही आपका नंबर डॉक्टर को इंगेज करना, डॉक्टर साहब को आप इंगेज करना। तो सिटिंग ऑपरेशन टीम ने कहा सर ज़्यादा देर तक हम इंगेज नहीं कर सकते हैं डॉक्टर को, क्योंकि डॉक्टर साहब ने हमारे पेशेंट को बेड पर लिटा दिया, क्योंकि म्यादे के दर्द में बेड पर लिटाना मुझे ये समझ नहीं आया, मैं खुद हंस पड़ा। तो फिर आता कि डॉक्टर साहब ने ये भी बोला था कि आपकी टांगों में भी कुछ दर्द मुझे लग रहा है, तो वट एवर दैट्स द पार्ट ऑफ हिज फेकरी और वट एवर। तो मैंने उनको बोला कि मैं एंट्री जो ही करूँगा, मैंने जो ही एंट्री कर दी, मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब आप कहाँ से हैं, बोला मैं श्रीनगर से हूँ। मैंने बोला ठीक है, यहाँ पे कब से आ रहे हैं? उनने वहाँ पे बोला कि मैं 2 महीने के, मैं बोला 2 साल, लेकिन शायद 4 सालों से वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए शायद साहब मैं बता दूं कि 1992 में उनका एक यहाँ पे FIR है सदरबल पुलिस स्टेशन में, जो एक रिलायबल सोर्स ने मुझे फ़ोन पे बताया कि हत्ता कि वहाँ पे किसी का किडनी फेलियर भी हुआ है, तो उसका कंपनसेट कौन करेगा? बहरहाल ये सवाल तो इस पर हमने फॉलोअप करना है। दूसरी बात यह है, जो ही मैं अंदर गया मैंने डॉक्टर साहब को बोला आप सीधे बता दीजिए कि आप MBBS हैं, बोला जी मैं हूँ। मैंने बोला कहाँ पे हैं, बोला मैं सवूरा में इस वक्त एज प्रोफेसर काम कर रहा हूँ गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। मैंने बोला स्किल्स में आपके कलीग कौन है? बोला नहीं मैंने MBBS, ये मुझे थोड़ा सा डिवेट कर रहे डिले कर रहे थे। मैंने बोला कलीग कौन है आपके? बोला नहीं मैंने GMC श्रीनगर से नहीं, GMC जम्मू से। मैंने बोला बात्रा से? बोला नहीं GMC जम्मू से। मैंने बोला NCI नंबर? उन्होंने अपना फ़ोन नंबर जैसा बता दिया मुझे। मैंने बोला सर वो 4 या 6 डिजिट्स का होता है, आप तो मुझे 3 नंबर से बता देते हैं। तो जो ही मैंने कहा ये, तो उन्होंने अपने सर पे हाथ रखा ऐसे, बोला कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने बोला ठीक है, और इसी दौरान हमारे स्टिंग ऑपरेशन की एक गलती हो गई, मैं वो एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मसला ये हुआ कि जो उनका वहाँ पे पियोन था जो पेशेंट्स को अंदर जाने की इजाज़त दे रहा था, तब तक वो दरवाज़ा खटखटाता रहा, उनको शायद पता चला था कि अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा है। वो कंटिन्यूसली बोल रहे थे कि पेशेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, आप प्लीज़ जल्दी नहीं, थोड़ा सा उन्होंने हमें मतलब वो ह्यूमिलेट करने की कोशिश की। मैंने बोला हम काम कर रहे हैं यार, आप समझने की कोशिश करें। उस दौरान एक हमारा बंदा निकल के उनको बता दिया, डिस्टेंस कुछ भी नहीं था कैबिन, और इसमें 5 फीट का पेशेंट्स में डिस्टेंस था। उनने इस दौरान मुझे बताया कि एक हमारा बंदा निकला, उन्होंने बोला उनको ये फेक है यार, आप पेशेंट्स को कैसे अलग करोगे? उस दौरान पेशेंट्स को पता चला, तो पेशेंट्स एजिटेट होना शुरू हो गए। तो जो ही पेशेंट्स एजिटेट होना शुरू हो गए, मेरी डॉक्टर के साथ बिल्कुल भी कन्वर्सेशन ज़्यादा नहीं है। मैंने डॉक्टर साहब को बोला देखिए प्ले स्मार्ट फॉर गॉड सेक, मैंने उनको यहीं से बोला प्ले स्मार्ट, आप
बचने का एक ही रास्ता है कि आप इन लोगों से माफ़ी मांगे। मैं ये ऑन कैमरा बता देता हूँ। तो डॉक्टर साहब मेरे साथ आगे, मैंने बोला जो मैं बोल रहा हूँ वैसे ही कर दीजिए, इन लोगों से माफ़ी मांगे। तो जो ही डॉक्टर साहब बाहर गए तो वहाँ पे पेशेंट्स का हुजूम था, तो उन्होंने तब तक उनको पता चल चुका था, बिल्कुल इन्होंने मान लिया है कि ये फेक है। बिल्कुल बिल्कुल, पेशेंट्स एजिटेट हो गए थे, एजिटेट हो चुके थे। तो पेशेंट्स जो ही एजिटेट होने लगे तो मैंने उनको बताया कि एक बात है, ये डॉक्टर साहब नहीं है, फेक है, लेकिन आपको खुदा का वास्ता इस डॉक्टर साहब के साथ कोई हाथ नहीं लगाएगा। इसी दौरान कुछ पेशेंट जो हैं इन बिटवीन बाहर चले गए थे बिजी मार्केट में, न्यूज़ फैल गई उस दौरान, बिजी मार्केट में न्यूज़ फैल गई तो लोगों का हुजूम आना शुरू हो गया। तो जो ही हुजूम आना शुरू, आप ये डॉक्टर साहब से भी पूछ सकते हैं, आप ईमान उनको पूछ सकते हैं कि आपको एक खरोच भी आया, हालांकि मेरे हाथ में किसी ने मारा वहां पे, somebody was trying to hit him, लेकिन हम हमारी टीम ने उनका घेराव किया। तो तब जाके हमने पुलिस को फोन करना शुरू किया, जो ही मुझे लगा कि इट कैन गो आउट ऑफ कंट्रोल तो हमने पुलिस को फोन करना शुरू किया। तो SHO साहब, चूंकि संडे थी, हम उनकी भी मजबूरियां समझ सकते हैं, या ट्रैफिक था काफ़ी ज़्यादा, उनको थोड़ा सा आने में टाइम लगा तो ऑब्वियसली, लेकिन तब तक हमने अपनी जानों से ज़्यादा उनकी हिफाजत कर ली डॉक्टर साहब की। तो वहाँ पे लोग एजिटेट होने लगे, एक लेडी ने, चूंकि उनका जेन्युइन है, उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ लिया, तो उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ के मुझसे पूछा कि मुझे आप 10,000 रुपये दो पहले। मैंने बोला मैं कैसे दे सकता हूँ, वो डॉक्टर साहब आपको देंगे या क्लिनिक के ओनर देंगे। इसी दौरान क्लिनिक के ओनर और तीन जो बाकी टीम थी उनकी, वो भाग गई, तो सिर्फ डॉक्टर हमारे कस्टडी में। डॉक्टर साहब को मैं बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब आप भागिए मत, प्लीज़ हम आपके साथ तमीज से बात कर रहे हैं, आप भागिए मत, आप बिल्कुल यहीं पर रहिए, क्योंकि मैं आपको छोड़ नहीं सकता, आप क्रिमिनल हैं, मैं ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मैं आपको छोड़ नहीं सकता हूँ, आप यहीं पर रहिए हमारे साथ, मैं तमीज़ से बात कर रहा हूँ आपके, हम आपके साथ ज्यादती नहीं कर रहे हैं। वो मुझे धक्का देके भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बोला डॉक्टर साहब मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूँ, बिकॉज इतनी जानों के साथ आपने खेला है, हालांकि लेडीज़ हैं वहाँ पे, उनके उन पार्ट्स को टच किया होगा आपने, जो बाद में लेडीज़ ने कहा भी। तो उस दौरान लोगों की एक बड़ी भीड़ जो ही मैंने देखी, मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि पुलिस को शायद आने में टाइम लगेगा, लेट्स गो टू पुलिस स्टेशन, एंड अगर आपको किसी ने हाथ लगाया, मैं आपको ओपनली बोल देता हूं कि आप मेरी जान या मेरी टीम की जान चली जाएगी, लेकिन आप पे हम आँच नहीं दें आने देंगे। तो वहां पे लोगों का एक जमे गफीर था, हमने उनको पुलिस स्टेशन लेने की कोशिश की, जो भी वीडियो वायरल हो गया है। ईमान मैं कहता हूं वी वेर गोइंग टू पुलिस स्टेशन और आई वॉज ट्राइंग टू एंगेज द मॉब, मैं अपना काम इस स्मार्टली कर रहा था सो दैट कि पीपल विल फील कि दिस दे आर डूइंग देयर वर्क। जो वीडियो देखिए वहां पे हजारों की तादाद में लोग मोबाइल से जो वीडियोस खींच रहे थे, सो आई वाज ट्राइंग सो दैट दे विल फील कि दे आर डूइंग देयर। हम मैंने PTC में बोल रहा था हम इनको पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं, इनकी आखिरी जगह जो है वो जेल में है। सो आप डॉक्टर साहब को बोल सकते हैं, उनकी शर्ट, उनकी टाई नहीं थी शायद, मास्क, हालांकि किसी चीज पे खरोच तक नहीं आई। हमारी टीम को धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा, लेकिन डॉक्टर साहब को हमने बिल्कुल भी एक जगह भी खरोच उनको नहीं मिली, जो फेक डॉक्टर है। माफ कीजिएगा नाज़रीन, मैं डॉक्टर साहब बोलता हूँ, बट फेक डॉक्टर, प्लीज वो डॉक्टर फेक डॉक्टर फिलहाल। जी जी, तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो उस पूरे हालात को संभालने के लिए और कहीं ना कहीं डॉक्टर की जान, उस एलेज डॉक्टर डॉक्टर की जान बचाने के लिए, शायद साहब आप मुझे बताएं कि मेरी बहन या मेरी माँ, मुझे पता चलता है कि ये डॉक्टर साहब नहीं है, तो आपका रिएक्शन क्या होता? मैं बिल्कुल बहुत एनरेजिंग होंगे, गुस्सा होंगे, सीधी सी बात है, वहाँ पे पब्लिक का गुस्सा कितना था, वो मैंने उस औरत उन बुजुर्गों के चेहरों से मुझे वहाँ पे समझ आया तब जाके। और पुलिस ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया बाद में, बहुत ज़्यादा, DSP साहब हैं वहाँ पे, SHO साहब हैं या तनवीर साहब हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया उन्होंने डॉक्टर साहब को। फिर वहाँ पे चूँकि भीड़ जमा हो गई थी, उन्होंने उनको पुलिस स्टेशन ले लिया, बाज़ाब्ता तौर पर हमने हवाले किया उनके, तो हमारा काम ख़त्म हो गया। सही सलामत हमने उनको उस जगह पे पहुंचाया जहां पे उनकी जगह थी। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त जो कौम के कई एक लोग ऐसे लोगों का सपोर्ट करने से मेरे ख्याल में हम उनको इनक्रेज कर रहे हैं, हम इस जुर्म में इक्वली शरीक हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार, सिर्फ एक बार दिल पे हाथ रखें, जो भी लोग इनके फेवर में लिख रहे हैं या इनकी बेइज्जती हो गई, क्या उनको वो 4,000-5,000 पेशेंट जो पिछले 4 सालों से इनने देखे हैं, तो मुझे बताएं शायद साहब क्या उनके लिए वो बेइज्जती नहीं है? बिल्कुल, क्या उनके लिए आज तक उन्होंने ओपनली ह्यूमिलेट नहीं किया है? हमें क्यों दिख रहा है कि किसी की बेइज्जती हुई है? हम एक एक फ्रॉडिस्टर, एक फेक की बेइज्जती
से की परवाह है हमें, लेकिन उन इज्जतों और इफ्फतों की बात नहीं कर रहे हैं जिनके कई एक ऐसे पार्ट्स को भी टच किया होगा इसने, तो वो क्या हमें नहीं दिख रहा है? नहीं बिल्कुल, पर मेरे ख्याल से जो लोगों का जो क्रिटिसिज्म आ रहा है, जो मैं जो समझ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं शायद इमरान साहब खुद जज ज्यूरी और पुलिस और सब कुछ बनने की कोशिश कर रहे थे, ये मुझे लग रहा है कि जो लोग ये सोच रहे हैं। देखिए मैंने पहले ही कहा कि मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि आज़ाद सहाफत में एक जर्नलिस्ट अपनी स्टोरी का जज होता है, एक जर्नलिस्ट अपनी स्टोरी का जज होता है। तो मेरा जो काम था एज पर माई प्रोफेशन, एज पर माई जर्नलिज्म, वट आई हैव लर्न्ड इन माई यूनिवर्सिटी और वट आई हैव लर्न थ्रू जर्नलिज्म बुक्स, जो मेरा कोड है या इथिक्स है, मैंने ईमानन उसको फॉलो किया, 100% फॉलो किया, उससे बाहर मैं नहीं गया। क्योंकि देखिए हमने कोई ज्यादती, कोई उनकी मारपीट वहाँ पे नहीं की, किसी को करने नहीं दी। हमारा जो काम था पुलिस तक उनको पहुँचाना, तो क्या हमने नहीं किया वो? एक एक बार कोई एक बात कोई साबित कर दे, सारी वीडियो फुटेज है हमारे पास फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, हमारे पास सारी वीडियो फुटेज है। अगर एक खरोच भी इस डॉक्टर को आई होगी, मैंने कहा ना उनकी शर्ट की जो प्रेस थी वो तक, मतलब किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया हमने। देखिए शायद साहब दूसरी बात ये है, अगर एक प्रोफेशनल इथिक्स जो लोग बात कर रहे हैं, जो हमें समझा रहे हैं, जिन्हें पिछले 10 सालों से इस वतन अर्ज में खाप छानी है, हर एक के पास हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी कोई नहीं सुन रहा है, उनके पास हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे बताएं खुदा रा क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये स्टोरी, अगर इथिक्स तो वही है सबसे बड़ी कि हमने मंजर-ए-आम पे लाई जी, बिल्कुल। अनइथिकल स्टोरी वो है जो मंजर-ए-आम पे नहीं आती, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं। बिल्कुल। तो इस मीडिया के हवाले से, जर्नलिज्म के हवाले से जो समझने वाले ना वो समझ गए होंगे, यहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज ऐसी हैं जो मंजर-ए-आम पे बिल्कुल भी नहीं आती है। मैं डॉक्टर साहब को कान में बता देता कि स्टोरी है सर, आप ऐसा कर दें, ऐसे जैसे लोग लिखते हैं आधे हमारे हक में, जो कहते हैं कि इन्होंने जर्नलिज्म के हवाले से, सबसे बड़ी सजा मेरी ये है इस वक्त कि मैं ईमानदारी के साथ काम किया मैंने और कर रहा हूँ। और देखिए सबसे जो बेस्ट पार्ट है इस स्टोरी का कि मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ, मेरे पेरेंट्स सेटिस्फाइड हैं, मेरी माँ ने मेरा माथा चूम लिया, यू वोंट बिलीव, क्योंकि मैंने उनको बताया कि उस स्टोरी के बाद, चूंकि मैं थोड़ा रात भर डिस्टर्ब रहा तो मैं घर नहीं गया, मैं सुबह अपनी माँ के पास चला गया, उन्होंने मेरा माथा चूमा और कहा कि यू हैव डन ए वंडरफुल जॉब। तो मैंने कहा कैसे? बोला कि आपने कई एक लोगों को बचाया, आपको नहीं लग रहा है? मैंने बोला कैसे बचाया? बोला कि अगर किसी को ये गलत दवाई देता, जब आपके पेरेंट्स आपको ये बता देते हैं कि वी आर प्राउड ऑफ यू शाहिद साहब, तो मेरे ख्याल में कि जो भी मेरे खिलाफ लिख रहे हैं, सबसे बड़ी बात होती है कि जब आपके पेरेंट्स आपको बता देते हैं कि यू आर राइट। आप इसमें इमोशनल मत होइए, ये एक एज ए जर्नलिस्ट ये मरहले बार बार आएंगे और कई बार आएंगे जब आप एक ऑनेस्ट जर्नलिज्म करना चाहेंगे। शाही साहब प्लीज अपने आप को संभालिए जी। प्लीज अपने आप, थैंक यू। शाही साहब हम होम के लिए अपनी जान को में डालते हैं। ईमानन मैं कहता हूं, मैं हर रोज घर से निकलता हूं कि शायद आज किसी गोली पे हमारा नाम लिखा हो, क्योंकि मैंने इतने दुश्मन पैदा किए हैं, कहने की बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी जान को खतरे में डालकर, मेरे दोस्त मुझे फोन कर रहे हैं, मेरे करीब जो लोग हैं वो मुझे फोन करते हैं कि, और जब आपको कौम ये सिला दे उल्टे में, मतलब ठीक है चलो मेरी गलती भी है स्टोरी में, क्या मेरी गलती इतनी ज्यादा है कि मैंने किसी की जान के साथ खेला? बिल्कुल, आपने बहुत लोगों की जान बचाई है,
क्योंकि डॉक्टर कल को हो सकता था जिसको भी दवाई देता गलत दवाई देता, और हो सकता है कई लोग किडनी पेशेंट्स, इसकी वजह से कई पेशेंट्स हो सकता है प्रॉब्लम में आए भी हों पास्ट में, वो तो अगर हम इस आप स्टोरी में मेरे ख्याल से फॉलो अप पे और जाएंगे बिल्कुल, तो आप जान सकते हैं कि जो पुराने इनके पेशेंट्स रहे हैं उनसे मिलकर भी आप देख सकते हैं। मैं आपको ईमानदार बोलता हूँ कि कोई हमदर्दी या कोई सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं है, क्योंकि इस फॉर्म में एक बुरी आदत है कि हम शायद जनाजों पे लोगों को हीरो बना देते हैं, मतलब जब किसी का जनाजा उठता है तब जाके हमें पता चलता है कि ये शायद कुछ काम कर रहा था। उससे पहले हमने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जीरो भी कर दिया, एजेंट्स कहा, बाकी लोग, मतलब चाहे सियासी लीडरों की बात करें, हुर्रियत रहनुमाओं की बात करें, हर एक को हम इरेलीवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। लीडरलेस कौम का यही हाल होता है, जिनका कोई रहबर नहीं होता उनका यही हाल होता है, वो हर एक को इरेलीवेंट करें। ईमानदारी के साथ मैंने काम किया, मेरी टीम ने काम किया, अपनी जान को जोखिम में डाल के हम बिल्कुल उस फैमिली के लिए, जितनी भी हजारों फैमिलीज को हमने आज तक फेकरी में फ्रॉड्स में एक्सपोज किया, क्या शाहिद साहब हम हमें माला पहनाएंगे? जिस गली से हम निकलते हैं मैं हमेशा ये सोचता हूँ शायद इस गली में मेरा दुश्मन होगा, लेकिन फिर भी हम अपनी जानों का की परवाह किए बिना हम निकलते हैं, हम हर रोज जाते हैं। ईमानन मैं कहता हूँ कि बिल्कुल भी किसी का डर नहीं है, ना कोई सिंपैथी गेन करने के, लेकिन मुझे एक्चुअली अपनी माँ की वो इमोशनल बातें याद आ गई जिसकी वजह से उन्होंने मुझे कहा कि हमें आप पे प्राउड है। तो ऑब्वियसली एक माँ बाप के लिए जब और सबसे बड़ी बात है कि रोना ये आया कि जब एक 80 साल माँ ने मुझे फ़ोन किया सुगाम से, उनने मुझे कहा, अपने बेटे ने उनने मेरी बात कराई, तो उन्होंने रो रो के कहा कि मैं तहज्जुद के वक्त आपके लिए दुआएं करती हूँ, लोग कह रहे हैं कि मस्जिद में हम आपके लिए दुआ करते हैं, सऊदी अरेबिया से फ़ोन किया, खाने काबा के सामने लोग हमारे लिए दुआ करते हैं, इससे बड़ी सर्टिफिकेट हमारे लिए क्या हो सकती है? नहीं, बिल्कुल आप जैसा बिल्कुल कह रहे हो ठीक है, और शाहिद इमरान साहब ने अपना व्यू पॉइंट आज हमारे सामने पेश किया। कई लोग सोच रहे होंगे और मेरे भी दिल में कुछ सवाल थे और मुझे बहुत हद तक सारे जवाब मिल गए कि ऐसी सिचुएशन क्यों पैदा हुई, कि माफ़ी क्यों मांगी गई, या परेड जैसा क्यों लगा कि निकाली गई। तो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि हमेशा एक वर्जन पे स्टोरी को ना लें, हमेशा दूसरे वर्जन पे लें, और ज़रूर अगर हमें मौका मिला या शाहिद इमरान साहब भी, ज़रूर उस डॉक्टर का वर्जन भी न्यूज़ में चलाएं कि आखिर वो कैसे इतने सालों से, अगर वो नकली था तो कैसे चला रहा है, तो हम उसका वर्जन भी जानें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो मीडिया में हो जाए। मैं अपने मीडिया के दोस्तों को भी ये एडवाइस करना चाहूँगा, मैं भी खुद इस जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ और शाहिद इमरान साहब भी काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं, और हम जानते हैं कि इसकी जो मीडिया या जो जर्नलिज्म से जुड़े हुए वो जानते हैं कि अलग अलग स्टोरीज किस तरह से होती हैं, किस तरह से स्टिंग ऑपरेशन किए जाते हैं। तो अगर हम अपने साथी जर्नलिस्ट को ही मैं कहूँगा कि फिजूल में टारगेट करना शुरू हो जाएं तो भी बहुत अच्छा नहीं है, और उनको भी बहुत इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में आज क्या हो रहा है। पिछले 3 महीने से तो एक ही स्टोरी चल रही है, सुशांत सिंह राजपूत की और रिया चक्रवर्ती की, और बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उसके ऊपर कोई न्यूज़ ही नहीं आ रही है। हम सिर्फ फ्रंट पेज पे वो कुछ चमकदार न्यूज़ आती हैं, और जो असली न्यूज़, जिस तरह से अगर हम कहें कि ये जो इन्होंने पूरा फेक एलिस्ट फेक डॉक्टर को जो बेनकाब किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, और ऐसी खबरें जो अगर हमारी सोसाइटी में आ रही हैं तो इनको तो इंकरेज करना चाहिए, इसके बावजूद कि हम उसको डिस्करेज कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं आज, हमारे बेरोजगारी को लेके या जो फेकरी को लेके, कितने लोग यहाँ पर, कितनी कंपनियां हैं जिन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बना के चले गए हैं, कितने यहाँ पर बाबा घूम रहे हैं, पीर बाबा घूम रहे हैं, जो कितने लोगों को सालों से बेवकूफ़ बना रहे हैं, कितने डॉक्टर्स जो हैं झोला छाप डॉक्टर आए हैं और गए हैं और बेवकूफ़ बनाए हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि शाहिद इमरान साहब जिस तरह का जर्नलिज्म कर रहे हैं और जिस तरह से इन्होंने पहले भी स्टोरीज की, अपनी जान भी खतरे में डाली है और ये करना चाह रहे हैं, तो अगर कहीं पर आपको कुछ लग भी रहा है कि कुछ अजीब हुआ है, तो आप अपना व्यू सीधा देने से अच्छा है पहले उसके ऊपर एक बार इंट्रोस्पेक्शन जरूर कर लें, और उससे पहले शाहिद इमरान साहब का भी व्यू ले लें, और या तो और भी कोई जर्नलिस्ट हो। जी जी, मैं ऐड करना चाहूँगा, और दूसरी बात यह है कि शायद हमारी कौम में अभी जो ओपन जर्नलिज्म है शाहिद साहब, उसकी कमी है शायद, क्योंकि पूरे इंडिया में ओपन जर्नलिज्म कहीं पर नहीं हो रहा है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ आप जो स्टोरी ऑन स्पॉट कर रहे हैं, सरेआम कर रहे हैं, उसको सरेआम लोगों तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम ज़्यादातर यहाँ पे, अब क्या कहूँ मैं, जो जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं, जो एडिटोरियल्स लिख रहे हैं या बाकी लोग जो जितना भी लिख रहे हैं,
दूसरी बात है कि लोग इस वक्त मास कम्युनिकेशन के हवाले से भी सवालात उठा रहे हैं, तो बड़ी बात यह है कि जहाँ तक मास कम्युनिकेशन का ताल्लुक है, मीडिया में बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। देखिए, मैंने मास कम्युनिकेशन किया है, अगर मैं इस वक्त क्रिटिसिज्म शुरू करना, मैंने कभी आज तक क्रिटिसिज्म नहीं किया है। हत्ता कि मार्केंडे कार्जुन एक दिन अपने इस वो चेयरमैन थे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के, तो उन्होंने ये भी लिखा था कि ट्वीट किया था एक दिन कि जैसे MBBS डॉक्टर डिग्री करके हॉस्पिटल में जाता है, ऐसे ही एक जर्नलिस्ट को भी चाहिए कि वो मास कम्युनिकेशन करके फील्ड में जाए। लेकिन मैंने एग्री किया था उस दिन उनके साथ, बहुत ज़्यादा एग्री किया था, क्योंकि होना भी चाहिए मास कम्युनिकेशन। एक टेक्निकली एक साउंड बंदा जब जाए, क्योंकि जब हम मीडिया पढ़ते हैं उसमें आपको मीडिया लॉज भी पढ़ाए जाते हैं, उसमें आपका ब्रॉडकास्टिंग कोड भी पढ़ाया जाता है, एथिक्स भी पढ़ाया जाता है, या बहरहाल आजकल के दौर में जो डिग्रियाँ मिलती हैं वहाँ पे इतना टाइम कहाँ मिलता है आप लोगों को पढ़ने का। वहाँ पे सीधे हम केवल जय कुमार, मास कम्युनिकेशन इन इंडिया या बाकी जो कुछ किताबें हैं उनको पढ़ते हैं। कहने का मकसद यह है कि मीडिया में सिर्फ एक ही फील्ड नहीं है, देर इज साइंस रिपोर्टिंग, देर इज पॉलिटिकल रिपोर्टिंग, देर इज डिफेंस रिपोर्टिंग, देर इज डिफरेंट बीट्स, बिजनेस रिपोर्टिंग। बिजनेस रिपोर्टिंग जितनी MBA स्टूडेंट अच्छी कर सकता है, मेरे ख्याल में एक मास कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है। हालांकि मैं अपोजिशन नहीं कर रहा हूँ उन लोगों की जो मास कम्युनिकेशन डिग्रियों की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ओपन जर्नलिज्म जो हमारे समाज में है, वो शायद कश्मीर क्राउन की वजह से या PNews की वजह से लोगों को हम आहिस्ता आहिस्ता दे रहे हैं। इसलिए ये लोग बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या है? इसमें आप जैसे भी आप बात कर रहे थे, तो कर्नल शुक्ला एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो डिफेंस में बहुत अच्छी रिपोर्टिंग। बिल्कुल, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली वो लोग ज्यादा अच्छी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस वाला पॉलिटिकल बीट पे ज्यादा अच्छी रिपोर्टिंग कर सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इसको मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स जो हैं, आई एम रियली, दे कैन टेक मी एज एन एग्जांपल के मैं मास कम्युनिकेशन हो के मैं एडिटर हूँ या मैं दूसरे एडिटर्स की मुखालफत करना शुरू करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम करना शुरू कर देंगे तो शायद जो हमारे खिलाफ एडिटोरियल्स लिखते हैं शायद साहब, मेरे ख्याल में वो भी बेनकाब हो जाएंगे फिर। तो इसलिए अच्छा यही है कि ये पर्दा जो है, इस पर्दे को आप रहने दें और ये पर्दा ना उठाया जाए, इसको उठाने की कोशिश ना करें, तो शायद फिर 99% ऑफ जो हमारा J&K में जर्नलिज्म है, फिर तो मुझे मजबूरी के साथ ये कहना पड़ेगा कि जो हमारे खिलाफ लिखते हैं हम फिर ओपनली ये कहेंगे कि ये सारा मीडिया। और इसी के साथ मैं अपना एक आखिरी पॉइंट रखना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया एक आखिरी, अब हम कहेंगे कि लोगों के लिए एक आखिरी मीडिया बचा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वो भरोसा नहीं रहा है, इसीलिए सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहा है, बहुत सारे ऐसे चैनल्स। तो इस सोशल मीडिया की आज़ादी को बचाना और इसके असर को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो हम चाहेंगे कि लोग उसी तरह से सोशल मीडिया का सपोर्ट करते रहें, कश्मीर ग्राउंड का सपोर्ट करते रहें जिस तरह से पहले करते रहे हैं, तभी शाहिद इमरान साहब इस तरह की स्टोरीज और करने की हिम्मत करेंगे। अगर आप इनको डिस्करेज कर देंगे तो हो सकता है आगे चल के वो इस तरह की स्टोरीज ना करें। लास्ट पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शाहिद साहब की, अगर मुझे आप इजाज़त दें। आई एम वेरी सॉरी कि मैं इमोशनल हो गया आपके इंटरव्यू के दौरान, आपका टाइम मैंने ज़्यादा लिया, बिकॉज आई एम वेरी सॉरी, लिटरली सॉरी ऑल द व्यूअर्स। आई एम वेरी मच स्ट्रॉन्ग, प्लीज़, आई एम नॉट वीक, बट थोड़ा सा इमोशंस मेरे जो हैं कुछ ऐसा, तो हमें कुछ कभी कभार कोई गरीब याद आ जाता है कि अगर हम चले गए तो उनका क्या हाल होगा। बहरहाल मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो कश्मीर क्राउन के साथ जुड़े हैं या PNews आपकी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं, हमारे जर्नलिज्म का सपोर्ट करते हैं, आपका बेहद मशकूर मैं हूँ। आपने हमेशा हमारे साथ या हमारे पीछे, आप एक पहाड़ और चट्टान की तरह खड़े रहे आज तक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान साहब, मैं इसी के आपके जो लास्ट आपने जो अपना जो एक अपना हाले दिल सुनाया है, उसमें एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप इसमें जब चल रहे हैं तो बस चलते रहिए, थैंक यू सो मच, चीज़ों की फिक्र नहीं करें। थैंक यू सो मच। हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं मीडिया में है, पूरी दुनिया में है, जिनको गाली पड़ती है, आप इन गालियों को भी नज़रअंदाज करिए कि हर तरह के लोग ना कहें जी, बिल्कुल, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ तो हर दुनिया में। इसी उम्मीद के साथ कि हम आगे चल के भी इसी तरह के प्रोग्राम जो हैं वो आपके सामने लाते रहेंगे, और शाहिद इमरान साहब जब भी कुछ और भी कुछ बड़ा करेंगे तो हम इनसे दोबारा मिलेंगे और दोबारा कुछ और टॉपिक्स पे भी डिस्कशन करना चाहेंगे। तो हम आज आपसे विदा लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।